नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीबी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। खर्राटे लेना एक बेहद आम समस्या है। कई लोगों के खर्राटे की आवाज इतनी ज्यादा आती है कि वो आसपास सोने वालों के लिए नींद उड़ा देती है। दरअसल ज्यादा और तेज खर्राटे इस बात का संकेत है कि सोते समय श्वसन तंत्र में कुछ ना कुछ रुकावट है, जिसके कारण शरीर के अंदरूनी उत्तकों के कंपन से ये आवाज उत्पन्न हो रही है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति खर्राटों की समस्या से परेशान है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको इसके लिए निवारण के कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें अपना कर खर्राटों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सोते समय खर्राटे लेने की समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि अब इसे बीमारी समझना ही छोड़ दिया गया है। खर्राटे लेने वाले को भले ही कुछ ना पता चलता हो, लेकिन उसके साथ सोने वालों की तो नींद ही खराब हो जाती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन सोते वक्त खर्राटे लेना एक तरह की असामान्यता है। अगर यह समस्या बहुत बढ़ गई है तो खर्राटे लेने वालों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खर्राटे लेने का सीधा संबंध दिल से जुड़ी कई बीमारियों से है। हालांकि अगर ये समस्या अपने प्रारंभिक रूप में है तो इन घरेलू उपायों की मदद से इसे दूर किया जा सकता है। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल खर्राटों पर काबू पाने पर काफी कारगर उपाय माना जाता है। आपको करना केवल इतना है कि रात को सोते समय जैतून के तेल की कुछ बूंदे नाक में डालनी है। इस तेल में सूजन दूर करने का गुण होता है, जिसके कारण सांस लेना आसान हो जाता है और खर्राटों की स्थिति में राहत मिलती है। हल्दी को अगर 100 परेशानियों का रामबाण इलाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खर्राटों की समस्या में भी हल्दी कमाल का असर दिखाती है। सोने से पहले एक ग्लास हल्दी वाला दूध काफी फायदेमंद माना जाता है। हल्दी के एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण नाक के कंजेशन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे खर्राटे लेना कम होता है। खर्राटे लेने की एक प्रमुख वजह साइनस भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में लहसुन बेहद कारगर उपाय है। रात को सोने से पहले लहसुन की कलियों का सेवन करना चाहिए। लहसुन को भूनकर घी में तलकर या पानी के साथ लिया जा सकता है। एक ग्लास गर्म पानी में शहद और दालचीनी पाउडर डालकर पीने से खर्राटों की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। रात को सोते समय इस पेय का सेवन लगातार कुछ दिनों तक करें, खर्राटों की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालकर पीने और मिंट ऑयल की कुछ बूंदों को नाक में डालने से भी खर्राटों से राहत मिलती है। इन उपायों के अलावा श्वसन से संबंधित व्यायाम भी खर्राटों से राहत में काफी कारगर माने जाते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे योगासन करने से खर्राटों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। ये जो उपाय हमने बताए हैं सलाह सहित ये सामग्री है, केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह के योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं हो सकता और विस्तार से अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबी 24 न्यूज।